और बिहार सरकार के सारे दावे खोखले हैं। ट्रेन पर इधर से जाने वालों को भीड़ और उधर से आने वालों को भीड़, यह दर्शाता है कि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है और यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। जो भय का वातावरण है बिहारियों के मन में, बिहार में रहने का जो भय है कि हम यहाँ रहेंगे तो न जाने किस समय कौन सी घटना घट जाए, यह बहुत ही दुखद है और इसके लिए नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार दोषी है। बिहार से बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रबंध होगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होगी, विधि व्यवस्था ठीक होगा, भय का वातावरण समाप्त होगा। और यहाँ लगातार जब से सरकार बनी है अभी तक लगभग 4000 हत्याएं हो गई है, 500 से ज्यादा माँ बहनों के साथ बलात्कार हो चुके हैं और सरकार गूंगी बहरी बनकर सोई हुई है। विधि व्यवस्था इतनी चौपट है, यहाँ खुलेआम यहाँ अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम बंदूकों से गोलियां निकाल रहे हैं, भय का वातावरण है और सरकार बिल्कुल नींद की सोई हुई है, नींद में सोई है। जहरीली शराब से यहाँ कितनी मौतें हुई है, लगातार हो रही है, हजारों की मौत अब तक, सैकड़ों की नहीं हजारों की मौत बिहार में जहरीली शराब से हुआ है। नीतीश जी आंख कान खोलिए, तेजस्वी जी आंख कान खोलिए, बिहार के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। शराब पर प्रतिबंध जरूरी है लेकिन प्रतिबंध लागू होना चाहिए अच्छे तरीके से। आपके अधिकारी थाने से लेकर आपके संरक्षण में जी रहे लोग, पल रहे लोग क्या कर रहे हैं, शराब के धंधों को अपनाकर जहरीली शराब बना रहे हैं। नौजवान क्या कर रहे हैं, यहाँ नौजवान मादक पदार्थों के आदि हो रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ मादक पदार्थों को लेते हुए नौजवानों की एक बड़ी संख्या उसमें इन्वॉल्व हो गई है, उसमें जा चुकी है, जो बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। नीतीश जी सत्ता जनता के लिए होती है, अपने सुख और अपने पद के लिए नहीं होती, अपनी जिद के लिए नहीं होती, अपने अहंकार के लिए नहीं होती है। यहाँ तेजस्वी और नीतीश जी सत्ता अपने सुख के लिए, अहंकार में अपने जिद के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, सही समय पर जवाब देगी, लेकिन बिहार के लोगों से आग्रह है कि सरकार तो आती जाती रहती है लेकिन ऐसी सरकार सत्ता से अभी नहीं भी जितने दिन तक हटती है उतने दिन तक बिहार के इस गलत नीति का हर जगह विरोध होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। यह हम जरूर निवेदन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे कारनामों को जो बिहार के अहित में है, नौजवानों के अहित में है और यहाँ विधि व्यवस्था चौपट है, इसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर इस सरकार को जगाने के लिए लगातार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।